जय श्री कृष्णा। गीतदान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कक्षा दशम का सामाजिक विज्ञान का ही भाग है भूगोल, उसका अध्याय 8 जिसमें पाठ है जल संसाधन, जिसमें हम पढ़ेंगे जल प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे? जल प्रबंधन। तो हमें ये तो पता है कि जल प्रकृति की अनुपम देन है, जो पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। हमारे धरातल पर है जो 71% जल है, इतना 71% जल है ऐसा हमने हमेशा पढ़ा। 29% है जो स्थल भाग है, क्या है? स्थल भाग है। और इसी जल का 97% महापान, जो ये जल है इसी का 71 का 97% महासागर में है। केवल 3% पानी है जो स्थल पर है, क्या है? स्थल पर है, जो हमारे काम आता है। उसी में से 3% इस जल का भी 3% का 69% हिम के रूप में और 30% भूमि के अंदर में है। तो इस तरह से हमें पता है और हमेशा हम पढ़ते हुए आए हैं कि किस तरह से जल का संग्रह। अब जल प्रबंधन क्या है? ये नई तकनीकें हैं और इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि समस्त क्रियाएं पृथ्वी पर समस्त क्रियाएं क्रियाओं को गति जल ही देता है, क्या है? जल ही देता है या जल से ही पूरी होती हैं। अगर जल नहीं है तो पृथ्वी की लगभग सारी गतियां खत्म हो जाएगी, क्रियाएं खत्म हो जाएगी वर्षा का। तो जल प्रबंधन क्या है, हमें ये जल प्रबंधन सीखना है और इसको भी पढ़ना है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में चला जाता है, जो हमारे काम नहीं आता है। इस वर्ष होने वाला जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितताओं और अनियमितताओं के कारण जो सूखा और अकाल है निपटने के लिए उचित प्रबंध आवश्यक है। जो वर्षा जल है, क्या है? वर्षा जल है, उसका अधिकांश पानी समुद्रों में चला जाता है, क्या है? समुद्रों में जाकर वो खारा हो जाता है, तो वो हमारे लिए उपयोग नहीं है। और इसी तरह इस जल को हम बचाकर प्रबंध द्वारा, क्या? प्रबंध द्वारा है जो बचाकर हम मानव उपयोग में, क्या? मानव उपयोग में ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मानव उपयोग में। और जो वर्षा की अनियमितताएं, वर्षा की अनियमितताएं नियमितताओं से दो समस्याएं हैं, एक समस्या आती है अकाल और दूसरी समस्या आती है सूखा, उससे हम निपट सकते हैं। देश में आजादी के बाद ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं प्रारंभ की गई और इसीलिए हमने जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी, वहां पर बहुउद्देशीय उद्देश्य नदी घाटी योजनाएं लागू की, क्या की? लागू की, ताकि देश का बहुउद्देश्य यानी एक जल प्रबंधन की समस्या से योजना से कई अन्य लाभ भी लिए जा सकते हैं जिनका उद्देश्य एक से अधिक हो, जिससे वहां पर उन समस्याओं से बचाव होने लगा। तो सबसे उद्देश्य से क्या, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्याओं से बचाव होने लगा। सबसे पहले समस्या तो क्या हुई, वो उद्देश्य का फायदा बाढ़ व सूखे से निजात। दूसरा फायदा हुआ बिजली मिली। तीसरा फायदा हुआ पेयजल मिला। चौथा फायदा हुआ मत्स्य है जो उत्पाद बढ़ा। फिर सिंचाई होने लगी, क्या होने लगी? सिंचाई के साधन मिले। और छठवां था वो आपको सिंचाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण मिला, क्या मिला? पर्यावरण संरक्षण, क्या? संरक्षण भी मिला, पर्यावरण में जो संरक्षण हुआ वो भी हमें इस समय।
और देश के हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैं जो हमारे नदी घाट योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है। अब भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्य तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। क्या है? राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्यों के माध्यम से किया जाता है। अब कुछ केंद्र की योजनाएं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं क्या हैं? केंद्र सरकार की योजनाएं, बड़ी बड़ी नदी घाट योजनाएं कौन सी हैं? जिसमें पहली योजना है भाखड़ा नांगल। कौन सा है? भाखड़ा नांगल। दूसरी योजना है वो आपकी है दामोदर हीराकुंड। कौन सी है? दामोदर हीराकुंड। एक और योजना है जिसका नाम है रिहन। कोसी टिहरी परियोजना एक है, कोसी बिहार है, कोसी नदी पर हिमाचल में टिहरी योजना परियोजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। और उसके अलावा भी राज्य सरकारों की भी कुछ योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकारों के माध्यम से चंबल योजना मुख्य रूप से ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, सरदार सरोवर परियोजना तीन राज्यों गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त है, मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल की है, माई परियोजना गुजरात तथा राजस्थान की है, गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तराखंड और मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे विभिन्न राज्य परियोजनाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे जो पहली परियोजना है भारत सरकार की, वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। जल प्रबंधन के क्षेत्र में जो हम पहला पढ़ेंगे वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजना क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो 1948 से आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई। क्या हुई? 1948 में शुरू हुई और 1963 में पूरी हुई। क्या हुई? पूर्ण हुई। और ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या है? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिशनपुर बांध के निकट स्थापित किया। कहां पर किया? सतलज नदी पर सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में ये जो आपका था बिशनपुर बांध पर, इस पर बिलासपुर बांध पर बिलासपुर जगह के निकट है जो बनाए गए। ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इसका फायदा ये संयुक्त है जिसमें पंजाब राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त है। क्या है? संयुक्त परियोजनाएं हैं। पंजाब राजस्थान
की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति, और इसका उद्देश्य जो है वो सतलज व यमुना के मध्य जो बीच का भाग है वहां पर बीच वाले हिस्से में तीन तरह की योजनाएं, जिसमें आपका सिंचाई पेयजल और विद्युत, ये तीन चीजों पर है जो स्थापित किया गया है, पेयजल की आर, विद्युत की, और इस योजना से आर्थिक विकास करना था। क्या करना था आर्थिक विकास भी करना था। इस योजना के तहत दो बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए। इसमें दो बांध तो पंजाब में बनाए गए। क्या बनाए गए? दो बांध पंजाब के अंबाला में बनाए गए। पहला भाखड़ा बांध जो 580 मीटर लंबा और 167.64 मीटर चौड़ा है, सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खंड बांधों में यह सबसे बड़ा है। जो भाखड़ा बांध है अंबाला में, क्या है? पहला बांध है भाखड़ा। ये बांध आपकी इसकी लंबाई दी है 518.16 मीटर और चौड़ाई दी है 167 पॉइंट है जो आपकी 64, ये लंबा और ये ऊंचा बांध बनाया गया है। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है जो, और दूसरा है नांगल बांध है 13 किलोमीटर दूर, इससे इसकी दूरी 13 किलोमीटर नांगल स्थान पर नीचे की तरफ बनाया गया है जो भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई, और नांगल विद्युत गृह एवं कोटला तथा गंगवाल में दो हैं जो अन्य विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। अब है दामोदर परियोजना। दूसरी जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त योजना है। इसे पश्चिमी बंगाल में की शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया, और यह नदी पश्चिम बंगाल के मार्ग में परिवर्तन, अप्रवर्धन और बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटे नागपुर के पटावास के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड के 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती थी। बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां थी। इस नदी के द्वारा लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ और अपर्दन की समस्याएं थी, इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना और निगम के रूप में के अनुसार भारत में दामोदर घाटी DVS निगम की स्थापना की। इस योजना का उद्देश्य बंगाल झारखंड में नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार लाना था। इस योजना में बाराकर पर मेहता नदी, बाल पहाड़ी और तलाया बांध, बोकारो नदी और बोकारो बांध, कुनार नदी तथा दामोदर नदी घाटी पर अदर बांध, बरको बांध, बाल पहाड़ी
बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो चंद्रपुर तथा दुर्गपुर में 3 जल विद्युत गृह का निर्माण तथा 2500 वर्ग किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया। तीसरी थी हीराकुंड परियोजना, कौन सी थी? हीराकुंड परियोजना, जो तीसरी थी हीराकुंड परियोजना। प्रायद्वीप भारत में महत्वाकांक्षी योजना जो उड़ीसा में शोक के नाम से नदी जानी जाती थी, महानदी पर बनाया गया, भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई महानदी जो छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्र में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती थी, शेष समय में सूखे और अकाल की स्थिति हो जाती थी। सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर और जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरपाड़ा व नजरा में 2 अन्य बांध बनाए गए। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा और संबलपुर जिले के हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाईं ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सेशन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया। दूसरे चरण में विद्युत गृह निर्माणों का भी है जो उद्देश्य किया गया। तो इस तरह से भारत की नदी घाटी परियोजनाएं हम कल पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी नदी घाटी और बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। धन्यवाद।